देखिए किस तरीके से इनको उठा के पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। सीआई के तमाम छात्र जो है वो मंत्री दिनेश सिंह की फोटो पर सीआई फेंक रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार दिनेश सिंह के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से चप्पल भी मार रहे हैं। ये देखिए ताकत, देखिए ये ताकत हमको लगाने क्यों लगा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद। पार्टी के मंत्री दिनेश सिंह ने प्रियंका गांधी के ऊपर जो ट्वीट करा उसको लेके कांग्रेस हमलावर है। कल दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर किस तरीके से उन्होंने तालिक पोती और आज भी एनएसयूआई के तमाम छात्र जो है वो मंत्री दिनेश सिंह की फोटो पर सियाही फेंक रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार दिनेश सिंह के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से चप्पल भी मार रहे हैं। और यहाँ पे तमाम एनएसयूआई के जो लोग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रदर्शन कर रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह की फोटो लाए हैं, उसके ऊपर स्याही पोता है और तालिक पोती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो दिनेश प्रताप सिंह की फोटो पे चप्पल मार रहे हैं, तालिक पोत रहे हैं। ये है दिनेश प्रताप सिंह का असली चाल चरित्र और चेहरा। इसको जूते भी मारेंगे, तालिक भी पोतेंगे। ये भाजपा का चोर है, रामरैली की जमीनें इसने हड़पी है। और जो प्रियंका गांधी हमारी नेता का अपशब्द कहेगा, इनकी क्या हैसियत है मुझे बताएं। दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है। देखिए यहाँ पे पुलिस ने इनको अरेस्ट कर दिया, बात कर रही है। दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद। ये देखिए ताकत, देखिए ये ताकत हमको लगाने क्यों लगा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और उठा के इनको लेके जा रही है। और तमाम जो है सीबीआई के छात्र यहाँ पे मौजूद है, देखिए उनको पुलिस उठा के लेके जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे और जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे, जो एनएसयूआई के लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाराजगी, क्या है नाराजगी, क्या है दिनेश प्रताप सिंह जिस प्रकार से हमारी नेता दलित श्रीमती प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से अपमानजनक शब्द कहे हैं, बुढ़ी हो गई है, ये कहां तक शोभनीय है। दिनेश प्रताप सिंह को माफी मांगनी होगी और बताना होगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। हम राहुल जी के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही, आगे बढ़ के रहेंगे। देखिए कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी नाराजगी जो है वो जाहिर रहेगी। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है, तमाम जो है सीबीआई के लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांधी प्रतिमा पे ये लोग पहुंच गए हैं, अम्बेडकर प्रतिमा पे ये लोग पहुंचे थे हजरतगंज चौराहे पे, और इन्होंने स्याही पोती मंत्री दिनेश प्रताप के फोटो पर। ये देखिए किस तरीके से इनको उठा के पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है, अपनी गाड़ियों में भर रही है। देखिए तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो इन एनएसयूआई के लोगों को उठा के अब हिरासत में ले रहे हैं। और इन्होंने दिनेश प्रताप सिंह के फोटो पर स्याही पोती चप्पल मारी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को डिटेन करा जा रहा है। देखिए पीछे इन लोगों को भरा जा रहा है। हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं थी लेकिन कल इन लोगों ने भी उनके आवास पर पहुँच कर अपनी नाराज़गी जाहिर करी थी। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद। ये जो अभद्र टिप्पणी बाहर से बौखलाए दिनेश प्रताप सिंह, जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं ये शर्मनाक है। प्रियंका गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, प्रियंका गांधी से खदेड़ के भेजेंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी की टिप्पणी करी है ये बर्दाश्त के बाहर है। दिनेश प्रताप सिंह हार से बौखला गए हैं, राहुल गांधी से हारे हैं रायबरेली से। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। ये राहुल गांधी जी से जो हारे हैं रायबरेली में पूरी तरीके से बौखला गए हैं और इनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी जी पर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इतना स्तर नीच हो गया है भाजपा सरकार का, इतना स्तर नीच हो गया है बीजेपी के लोगों का। है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं और दिनेश प्रताप सिंह ने जो ट्वीट करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये लोग आए हजरतगंज चौराहे पे पहुंचे, अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचे, इन्होंने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की फोटो पर स्याही और चप्पल मारे और इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अपनी गाड़ियों में बैठा लिया, इनको डिटेन कर लिया गया है। इनका कहना है ऐसे ही प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेते।